अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। तो यार, पहले मैं व्लॉगिंग करता था, तो व्लॉग से मैंने अभी से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे आ गया हूँ कि मैंने आपको व्लॉग में बताया कि मेरे पापा बेकरी का काम करते थे, तो कई किस्म की बेकरी का सामान लेके गए थे। मैं कहा कि ऐसे का व्लॉग कंटेंट शुरू करते हैं जो पूरे यूट्यूब पे ना हो, ऐसे का कंटेंट है कि यार आपको रस्क, केक्स, बाकर खाने बंद वगैरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये ऐसे बनते हैं, ऐसे होते हैं, और इनके ये प्राइस है, पहले ये थी अब ये है, कितने रस कम हुए हैं, कितने ज़्यादा हुए हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यार ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता लग सकता है कि यार ये रस है, ठीक है, ये ख़राब है, यानी कि ये इसका क्वालिटी अच्छी है, इसकी ख़राब है। तो यार ये आज हम राहत की बेकरी के रस के बारे में बात करेंगे। तो ये रस यानी कि इनकी क्वालिटी भी ठीक है, खाने में भी ठीक है, अच्छे हैं, इनके घर भी यूज़ ही यही होते रहे हैं, पहले ही यूज़ होते रहे थे, अब तो कोई और बेकरी के होते हैं। तो यार ये सबसे पहले जो पैकेट था ये 80 रुपीज़ का था, 80 रुपीज़ से आहिस्ता आहिस्ता ये 100 रुपीज़ का हो गया, 100 से 120 हो गया, 120 से ये 150 हो गया, और जैसे जैसे ये 150 हुआ है वैसे वैसे इसकी तादाद भी कम होती गई। जब पहले थी ये 48 तादाद थी इसकी इन रसों की, और जब ये 150 पे हो गया तब इनकी तादाद 36 पे आ गई, यानी कि क्वालिटी थोड़ी बहुत सही अच्छी थी, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई की वजह से ये इनकी जो प्राइस है ना वो ज़्यादा हुई और वो मकदार कम होती गई। तो वैसे रस्क अच्छे हैं, और ये बुरे वाला में वाकया है न्यू राहत बेकरी, इनके सामान नहीं यानी कि ख़राब नहीं होता, अच्छा सामान है और खाने में इनका जायका भी अच्छा है। दुकानदार माशाल्लाह ज़्यादा पसंद करते हैं राहत बेकरी को भी, और भी बेकरी का सामान पसंद करते हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो यार ये अब राहत की बेकरी का रस है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह राहत, तो राहत बेकरी का रस पे आ रहे हैं, यानी कि उनको कहें ना कि रेड कर दो तो रेड कर देते हैं, तो पापा ही जाते हैं सेलमैन निकलने। तो यार आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है कि ये इतनी प्राइस है इसकी, आप लोग ध्यान से लें। तो ये 150 की प्राइस है इसकी, इतने में ये इतने रस ठीक हैं और जायका भी ठीक है, और रस भी ज़्यादा पतला नहीं है, ये देखें रस भी ज़्यादा पतला नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अपने अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और ज़्यादा जानने के लिए कैसे बनते हैं, कैसे होता है ये, क्या क्या करना पड़ता है, हम घर बना सकते हैं या नहीं, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में लाजमी बताऊँगा। तो यार इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरे शेयर करें और पूरा वॉच करें, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।